নতুন দিল্লির পরা কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী রাজনাথ সিং এক বিশেষ প্লেন যোগে অসমলৈ আহি উপস্থিত হয় গুৱাহাটীর লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দর। গতিকে আজি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী রাজনাথ সিং গুৱাহাটীর উপস্থিত হয়ে প্রথমে হেলিকপ্টারের যোগে বানাক্রান্ত অঞ্চলমুখ পরিদর্শন করে আর মেঘালয় তথা অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রীকে ধরে সকল উচ্চ বিষয়া সকলের সঙ্গে বৈঠকত বানাক্রান্ত অঞ্চলের বুঝ লয়। তারপর গৃহমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ে রানীত অবস্থিত বিএসএফ কেম্পত এখন সংবাদমেলর আয়োজন করে। তারপর গৃহমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ে রানীত অবস্থিত বিএসএফ কেম্পত এখন সংবাদমেলর আয়োজন করে। আজির এই সংবাদমেলত রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে রাজ্যিক গৃহমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু আর ক্রীড়ামন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল গুৱাহাটীর অংশত বিজয় চক্রবর্তীকে ধরে বহুকজন বিষয়াবর্গ উপস্থিত থাকে। সেয়েহে গৃহমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ে সাংবাদিকক জানায় যে অসম মেঘালয় অরুণাচল প্রদেশত যি বানপানী হয়েছে এই খবর পয়ার লগে গৃহমন্ত্রীজনে রাজ্যিক গৃহমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু আর ক্রীড়ামন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালক আদেশ দিয়ে যে অতি শীঘ্রে গৈ অসম মেঘালয় আর অরুণাচল যি ভয়াবহ বানাগ্রস্ত স্থলমুখ পরিদর্শন করে সকল ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের বুঝ লবলে। তেও জানায় যে এতালেকে যি ক্ষয়ক্ষতির খবর পয়া গেছে সেই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ে কয়, জো আব তক জানকারি প্রাপ্ত হুই হ্যায় কি অসম মে 40 লোগো কি মৌত হুই হ্যায়, মেঘালয় মে 55 লোগো কি और अरुणाचल में 56 की डेथ हुई है। दूसरी भी जो भी डैमेजेस हुई हैं उसकी जानकारी आपको है, उसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओज को और दूसरे बहुत सारे सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने इस क्राइसिस के चैलेंज को बीट आउट करने के लिए अपनी तरफ से भरपूर मदद की है। इसमें जिन लोगों की फ्लड के कारण डेथ हुई है मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन परिवारों के साथ हम लोगों की पूरी सहानुभूति और संवेदना है। और आज मैंने यह कहा है कि इस समय असम में जो 386 करोड़ TSDRF की धनराशि है जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है उसे स्टेट गवर्नमेंट खर्च करे, और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने 286 करोड़ असम के लिए सैंक्शन किया है, टोटल 674 करोड़ की धनराशि अब तक या तो रिलीज की जा चुकी है या तो सैंक्शन हो चुकी है। जो सैंक्शन हुई है वह भी रिलीज होगी, मैं जाकर कहूंगा कि जल्दी से जल्दी यह अमाउंट भी रिलीज कर दिया जाए। असम के मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है और मेघालय के मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि हम जल्दी से जल्दी मेमोरेंडम भेजेंगे, और जितनी जल्दी मेमोरेंडम हमें प्राप्त होगा उतनी ही जल्दी हम इंटर मिनिस्ट्रियल टीम इन राज्यों में भेजेंगे। जैसे सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस लाभ हानि का विचार न करते हुए वह फ्लड अफेक्टेड लोगों की मदद करती हैं, वैसे ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर फ्लड अफेक्टेड एरिया में मदद करनी चाहिए। अपनी पार्टी के लोगों को भी मैं कहता हूं और मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील कर रहा हूं। वीडियो जर्नलिस्ट सुशांत दास, सेंटिनल न्यूज, गुवाहाटी।